வணக்கம் நேயர்களே, ஒரு மணி செய்தி தொகுப்பிற்கு உங்களை வரவேற்பது விஷ்ணுராஜ். நாடு முழுவதும் உள்ள பாரதிய ஜனதா கட்சியின் தொண்டர்களுடன் காணொலி காட்சி மூலம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கலந்துரையாடி வருகிறார். அதன் நேரலை காட்சிகளை தற்போது பார்க்கலாம். कहते हैं आप कि कांग्रेस जब भी आती है लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाती है और जातिवाद को बढ़ावा देती है। कांग्रेस के ये दो लक्षण हैं, जबकि भाजपा संगठन और कार्यकर्ताओं के बल पर कार्य करती है। तो मेरा ये प्रश्न है कि 2019 में लोकतंत्र कैसे जीतेगा? अरे आप तो स्वयं लक्ष्मी है और लक्ष्मी तो कमल पर बिराती है। जय लक्ष्मी जी, बैठिए। देखिए, आपका यह सवाल 2019 के चुनाव का मूल मंत्र है। ये चुनाव दो राजनीतिक संस्कृतियों के बीच का है। एक संस्कृति भाजपा की है, जहां हर काम लोकतांत्रिक तरीके से होता है। दूसरी संस्कृति कांग्रेस समेत कई दलों की है, जहां हर काम वंशवाद के आधार पर तय होता है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की भूमिका कितनी विशिष्ट है, इसका अनुभव आप जैसे सभी कार्यकर्ता लगातार करते आ रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ता की संस्कृति एकदम अलग होती है। विनम्रता, सादगी, सरलता और सहजता, इसी ने हमको आज यहां तक पहुंचाया है। यहां किसी भी फैसले का आधार कार्यकर्ताओं का फीडबैक होता है, कार्यकर्ताओं की इच्छा होती है और लोकतांत्रिक तरीके से बात ऊपर आती है। भाजपा कार्यकर्ता जनता जनार्दन के दुख में सुख में हर स्थिति में सहभागी होता है। பிரதமர் நரேந்திர மோடி பாஜகவினரிடையே வீடியோ கான்பரன்சிங் மூலம் பேசக்கூடிய நேரலை காட்சிகளை தற்போது நாம் பார்த்தோம்.